दोस्तों आज की कहानी है जेठानी जी। आपसे इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज तो बड़ी देर कर दी तुमने आने में। सलोनी ने डोरबेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सामने खड़ी रंजनी को देखा वैसे ही तपाक से बोली, हाँ। इतना कहकर रंजनी अंदर चली गई। क्या बात है रंजनी, आज सिर्फ हाँ में ही जवाब देकर चली गई, वरना तो हजार कारण देर से आने के गिना डालती। बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, पति में बहुत झगड़ा किया इसलिए आंखें देर से खुली। कल बहुत थक गई थी इसलिए देर से आई। आज राशन लेने जाना था और भी ना जाने कितने कारण, लेकिन आज तो सिर्फ हाँ। सलोनी उसके पीछे पीछे अंदर आई और जब उसके चेहरे पर ध्यान दिया तो उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और आंखें तो सूज कर लाल लाल हो रही थी। क्या हुआ रंजनी, तुम बहुत परेशान हो रही लग रही हो, सलोनी ने आत्मीयता से पूछा, क्योंकि सलोनी रंजनी को बहुत ज़्यादा मान देती थी। बचपन से ही वह उसके मायके में अपनी माँ के साथ आती जाती थी और अब उसकी शादी के बाद वह उसके ससुराल में भी काम करने लगी थी, क्योंकि एक दफा से दोनों की ही शादी लोकल हुई थी। कुछ नहीं दीदी, इतना बोलते ही रंजनी की आंखों से जमकर आंसू बरसने लगे। रंजनी तुम उसको अगले अपने दिल का हाल नहीं बताओगी, आखिर में तुम्हारी दीदी को। सलोनी रंजनी के सिर पर एक बड़ी बहन की तरह हाथ फिराते हुए बोली, क्योंकि उसको रंजनी का इस तरह रोना कहीं ना कहीं अंदर तक आहत कर रहा था। दीदी क्या करूं, किस्मत ही खराब है हमारी, ये कहते कहते ही फपक पड़ी रंजनी। आखिर हुआ क्या है, जब तक बताओगी नहीं तब तक मैं कैसे जान पाऊंगी। सलोनी ने रंजनी का हाथ पकड़ कर कहा, अच्छा चलो पहले बैठो एक कप चाय फिर बताओगी समस्या क्या है। दीदी रहने दीजिए, कुछ मन नहीं है रंजनी ने सिसकते हुए कहा। ऐसे कैसे तुम्हारा मन नहीं है, वैसे तो आते ही कहती हो कि दीदी अपने हाथ गर्मा गर्म मसालेदार चाय पिला दीजिए फिर काम करते। और सलोनी उसकी बात को अनसुना करके जाकर फटाफट रंजनी के लिए चाय बना लाई। और जब रंजनी चाय पी चुकी तब फिर से सलोनी ने उसको कुरेदना शुरू किया, बताओगी क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दीदी आपको तो पता ही है कि मैं कमो रंजनी की बेटी की शादी के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही थी कि पता नहीं कब उसकी शादी तय हो जाए और मुझको जरूरत पड़ जाए, लेकिन वैसे मैं अपने पास खुद ना रख कर अपनी जेठानी के पास रखवा देती थी, क्योंकि वह हमेशा ही हमको बहुत स्नेह करती थी, इसलिए उनके ऊपर हमको पूरा विश्वास था। क्योंकि पति की शराब की आदत की वजह से पहले ही बहुत दुखी थी, अगर उनको पता चल जाता कि मेरे पास पैसा तो कैसे भी करके मुझको मार पीट कर वह हमसे छीन लेते, इसीलिए मैंने उनको सबसे ज्यादा विश्वास पात्र समझा, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। रंजनी फिर से फपक कर बेहसा रो पड़ी। रंजनी रो मत, पहले सुबसा बताओ कि आखिर आगे क्या बात है, सलोनी ने सिर सहलाते हुए कहा। दीदी कल जब पता चला कि इस समय चांदी थोड़ी सस्ती हो गई है तो मैंने सोचा कि कमों के लिए पायल बिसुआ खरीद कर रख दूँ, तो जब मैंने उनसे रुपये मांगे तब तो वह बिल्कुल साफ मुकर गई। इतना कहते हुए रंजनी की आंखों में कल रात की घटना घूम गई। जी जी इस समय पता चला है
कि शादी थोड़ी सस्ती हुई है, तो लाइए थोड़े रुपये दे दीजिए। कमों के लिए पायल और बिसुआ खरीद लेती हूँ, हो सकता है कि बाद में फिर महंगी हो जाए। रंजनी अपनी जेठानी ममता के पास जाकर बोली, कौन से रुपये रंजनी? ममता एकदम से सौंक कर बोली, जीजी ये आप क्या कर रही हैं रंजनी के? तो जैसे ममता की बात सुनकर 740 वॉलेट का करंट लग गया। जीजी जो मैं हर महीने अपना और अपने बच्चों का पेट काट कर आपके पास रखवाती थी, वह रुपये मेरे पास तुम्हारे कोई रुपये वुपये नहीं है, और किसके सामने तुमने मेरे पास रखवाए? क्योंकि ममता ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि रंजनी ये रुपये पति और सास से छुपा कर रखवा रही है। अब तो रंजनी को काटो तो खून नहीं, उसकी तो आंखों के आगे अंधेरा साने लगा। दिल भी बहुत जोरों से धड़ 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 धड़कने लगा। हे भगवान, ये तो जेठानी जी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया, और अब वह कहे भी तो किस से, क्योंकि सास और पति को तो हवा भी नहीं लगने दी इस बात की। रंजनी ने बहुत मिन्नते की ममता से, लेकिन ममता तो टस से मस्त नहीं हुई। बार बार यही कहती रही थी कि मुझको नाक ही परेशान करने पर तुली हो, अगर सीधे तरीके से नहीं मानोगी तो देवर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि रंजनी हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। अब तो मरता क्या ना करता। रंजनी रोते हुए उसके कमरे से निकल आई, लेकिन तब से उसके आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बच्चों ने पूछा भी, लेकिन आंखें में तिनका सले जाने का बहाना बना दिया, और इस समय सलोनी का सने पाकर आंसुओं की अविरल धारा उसकी आंखों से बह रही थी। दीदी आप भी बताइए कि मैं क्या करूं। रंजनी अपने आप को बिल्कुल लाचार महसूस कर रही थी, क्योंकि सलोनी के अलावा वह अपने साथ हुए धोखे का किसी से भी जिक्र भी नहीं कर सकती थी, और अगर कहती भी तो सब उसी की गलती बताते। रंजनी अब जो हुआ उसको तुम बिल्कुल भी नहीं बदल सकती, क्योंकि पैसा अगर अच्छा है तो बहुत पूरी चीज भी है, ये अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी दांव पर लगवा सकता है। लेकिन इस परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ो, और आइंदा और किसी पर इतना विश्वास मत करना, क्योंकि एक बार का दूध का जला सांस भी फूंक फूंक कर पीना साधा है। सलोनी ने रंजनी को समझाते हुए कहा, लेकिन दीदी अगर थोड़े बहुत रुपये पैसे में जोड़ना भी साथी हूँ तो कैसे जोड़ो? जवान बेटियां घर में बैठी हैं, कमों के पिता का तो उस बात की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, मुझको तो सोचना ही पड़ेगा। रंजनी ने अपना निचला होठ दांतों से काटते हुए कहा, दीदी अब अगली बार से हम आपके पास अपने जोड़े हुए रुपये रखवा दूंगी। नहीं रंजनी, क्योंकि सचमुच पैसा सब तुड़वा देता है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे संबंधों में भी दरार आए, इसीलिए मैं तुमको दूसरा रास्ता बताती हूँ। सलोनी ने जट से हाथ जोड़ लिए। तो फिर दीदी? रंजनी ने सलोनी के चेहरे की ओर ताकते हुए कहा, रंजनी मैं तुम्हारा पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा देती हूँ, चलकर तुम अपने सारे पैसे उसी में जमा करना, और जब जरूरत हो तब निकाल लेना। सलोनी रंजनी को रास्ता बताते हुए कहा, लेकिन दीदी आप तो जानती ही हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। रंजनी मायूस होकर बोली, रंजनी उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होने की ज़रूरत नहीं है, बस हस्ताक्षर करना आना सही और वह तुम कर ही लेती हो। सलोनी की बात रंजनी की समझ में धीरे धीरे आ रही थी। दीदी रंजनी ठीक है, दीदी रंजनी ठंडी सांस भरते हुए बोली, और उस दिन सलोनी ने रंजनी का पोस्ट ऑफिस में जाकर उसका खाता खुलवा दिया, और अब तो सचमुच रंजनी तनाव मुक्त हो गई। उसको जब पैसा जमा करना होता वह जमा कर आती, और जब जरूरत होती पैसे निकाल लेती, और वह इस कदम के लिए सलोनी का बहुत धन्यवाद।